अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। तो आज हमारी हो चुकी है जी मॉर्निंग। इस वक्त बज रहे हैं यूके में 12। तो इतनी अच्छी मुझे धूप नज़र आ रही थी ना, जब मैं घर में थी मैं कह रही थी बड़ी अच्छी धूप है। तो चलते हैं जाए बाबा यार, जाके धूप लेते हैं। तो कश्यप को मैंने बोला, मैंने कहा चलो कश्यप चलते हैं तो जाके धूप लेते हैं। तो बाहर निकले हैं तो कश्यप मुझे कह रही है कि किधर है धूप। मैंने कहा भाई ये कोई नई बात तो नहीं है यूके में, आपको पता ही है वहाँ का वेदर। अभी देखना थोड़ी देर में निकलने शुरू हो जाएगी। वो देखे वहाँ पे वो आगे धूप नज़र आ रही है थोड़ी सी। तो दिल कर रहा था बाहर जाते हैं, तो बाहर बहुत ठंड होती है, गाड़ी में बैठ के सेकते हैं तो बहुत ही नाइस होती है। तो अभी देखेंगे धूप होएगी तो गाड़ी में बैठ के सेकेंगे। और कुछ मैंने लिडल से लेनी थी कुछ चीज़ें, और थोड़ा सा चक्कर लगाना था मैंने इधर लॉन्ग साइड मार्केट में भी। तो देखा आवाज़ आ रही है, किस कदर आ रही है। तो गाइस मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो मैं कश्यप को कह रही हूँ कि आवाज़ आ रही है गाड़ी में से ना। तो गाइस आज रश देखे सैटरडे या सैटरडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये देखें ज़रा इधर क्या बना हुआ है। तो अभी आपको दिखाते हैं लिडल में जाते हैं, तो फिर दिखाते हैं कि मैंने एक दो चीज़ें लेनी है लिडल से, वो जाके लेते हैं। तो गाइस जा रही हूँ मैं उधर लिडल में। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, देखो उधर बादल आ रहे हैं और इधर धूप। अभी मैं निकली हूँ गाड़ी से तो धूप थी, तो अब फिर धूप ख़त्म हो गई और साथ ही बादल ये देखे। लेकिन वेदर वैसे आज थोड़ी ठंड कम है वैसे ना, मैं जैसे कह रही थी ना बहुत ठंड है उस लिहाज से ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ठंड है ना वो कम है। तो अभी जा रही उधर हमें बेकरी के एरिए में भी, तो यहाँ से आज मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा बनाऊँगी इसके साथ। तो बैठ के साथ मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ से देख लीजिए कौन से वाली ले रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल की पड़ी हुई है। अभी देखती हूँ कौन सी लेती हूँ, कौन सी डालनी है मैंने। ठीक हो गया राश आज सही है, इसमें बहुत राश होता है। मैंने कुछ और भी बताना है उसके लिए, मुझे चाहिए सैलड ये वाला चाहिए, लस्सी कौन सा चाहिए मुझे, वैरायटी की फ्रूट साइज पड़ी हुई इधर। तो देखती हूँ कौन से वाला लेना है मैंने। अच्छा अभी इधर से लेना था मैंने। तो आज मैं आप लोगों के साथ न्यू रेसिपीज जो है ना वो शेयर करूँगी पफ पेस्ट्री के साथ। तो यहाँ से मैं देखती हूँ कि मैंने कौन सी वाली लेनी है। ठीक हो गया। तो गाइस अभी मार्केट से बाहर आई हूँ, क्योंकि देखे दो तीन चीज़ें लेनी थी, मैंने बैग भी नहीं लिया। तो देख लें कितनी अच्छी धूप निकली और कितना नाइस वेदर हो गया। जब गई थी मैं आपको दिखा रही थी कितना बादल आ रहा, देखें सूरज चमक चमक के जा रहा है। तो गाइस सैटरडे है और सैटरडे को देखो कितना रश है इधर। क्योंकि ईद की आमद आमद है और सब लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। जैसा क्या देख सकते हैं कितना रश है हर तरफ। हम लोग भी जा रहे हैं देखने के लिए, देखते हैं क्या क्या कपड़े आए हुए हैं। अभी शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत ईद की कुछ, वैसे तो मैं पाकिस्तान से भी कुछ कर ली है, लेकिन फिर भी वो तो कहते हैं ना बंदे का दिल नहीं भरता, ज़रूर एक दफ़ा चेक करेंगे। तो अभी जाते हैं वो देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको रश दिखाती हूँ चल के कि कितना रश है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ से भी आप रश चेक करें, ये लॉन्ग साइड मार्केट और ये रश। ये देखें रश लोगों का इधर, होई 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 होई। ये देखें इधर सारा रश ही रश है, अभी जा के देखते हैं। ओए जूते बड़े अच्छे लगे हुए इधर, जूते देखते हैं कौन से वाले अच्छे लगे। मैं लास्ट टाइम भी मैंने एक जूता यहाँ से पसंद किया था लेकिन लिया नहीं था मैंने, वो कौन से वाला था लास्ट टाइम में कैसे, मैंने इधर से एक जूता देखा था लेकिन मैंने लिया नहीं था। ये वाला नहीं है जो, लेकिन ये नहीं था उसके पीछे, अब वो है ही नहीं है। ये विदाउट नहीं, ये विदाउट था, ये था ये था, हाँ ये नहीं चप्पल थी वो इस तरह की, ये चीज़ हील नहीं थी, मतलब नहीं ये बगैर हील के है ना, वो थोड़ी सी थी उसकी, ये लाइक जिस तरह की ये है। ये देखें गाइस, तो देखें रश कितना है हर तरफ, तो खुश से भी हैं। ये देखिए कितनी वैरायटी है यहाँ पे, तो लो सब साइज मिल जाएगा आपको अंदर, बहुत है अंदर। ओह थैंक यू। तो ये देखिए
आओ उधर चलते हैं थोड़ी देर चाय। ये देखिए ये राइटिंग है, उसकी भी देख सकते हैं। तो इधर पे अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन मैं वैसे मतलब लाइक देखने के लिए आई हूँ कि क्या कुछ आजकल आया हुआ है, तो फिर आएंगे शॉपिंग करने के लिए स्पेशल, तो फिर आपको भी दिखाएंगे ईद की। किस तरह हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना नाइस है। तो ये देखिए, ये देखिए सारी ज्वेलरी और सब, बच्चे देखे शॉपिंग करते फिर रहे हैं सब लोग। इन्होंने ये वाले कपड़े भी साथ में डाले हैं आज, अल्लाह के इन्होंने सिर्फ जो है ना लाइक फैंसी कपड़े रखे हुए थे, आप इन्होंने ये वाले भी यहाँ पे रख लिए हैं। ये देखो इधर आ रहे हैं आपको, नहीं नहीं इधर जहाँ पे कपड़े हैं वहाँ पे रश लगा हुआ। ये देखिए दुपट्टे हैं आई थिंक सारे डिफरेंट टाइप के, पर्दा है शायद। ये सूट अभी पहले 125 का, ये देखिए छोटे बच्चों के भी इधर बड़े हुए हैं कितने नाइस। ये देखिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो ज़ाहिर इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि कौन से कपड़े आए हैं क्या आए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हुए कितने हैं, तो यहाँ पे आ गया जैसे स्टॉल देखेंगे चूड़ियाँ, हर तरह की चूड़ियाँ मैं लूँगी इस दफ़ा। मुझे काफ़ी दिन दफ़ा हो गया कि मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, तो चूड़ियाँ लूँगी मैं अपने सूट के साथ मैच करके। ये वाली मेरी थोड़ी थोड़ी ना, अभी आपने मेरा सूट नहीं देखा, मेरी मैच हो रही है। ये मेरा पता ग्रीन वाला एक सूट और एक थोड़ा सा येलो वाले में है मेरा, मेरे दो सूट हैं गाइस। तो फैंसी तो मेरे पास इतने ढेर लगे हैं पहले, इसलिए मैं थोड़े वेदर चेंज वाले लेके आई थी। तो अभी देखते हैं कौन सी वाली मैं लूँगी। देखो सारी यहाँ पे ना है, देखो यहाँ पे प्राइस लिखी होगी, प्राइस साइज लिखा हुआ सिर्फ आई थिंक। वैसे हैं पर बड़ी खूबसूरत हैं चूड़ियाँ, नाइस। तुमने कौन सी लेनी है? पिंक, ये पिंक तो उधर पड़ी हुई है वो देखो, वो जो वाली मुझे लग रहा है वो वाली नहीं, ये देखती हूँ मैं कौन सी लूँगी। अभी आगे आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितनी बड़ी हुई चूड़ियाँ इधर, इधर मैंने कहा आज मैं आपको सारा ना यहाँ का दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इधर और किस तरह मिल रही हैं। प्राइसेस यहाँ पे नहीं लिखी, मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ साइजेस लिखे हैं। ये देखिए इसके ऊपर तो प्राइस का नहीं पता, यहाँ पे आ गई है मेल भी सारी। ये देखें तो मेहंदी आ गई है और साथ ही ये देखें मुझे ये बड़ा अच्छा, मैं उससे एक और शॉप पे भी पूछ रही थी। ये देखें ये जो पड़े हुए हैं ना ये वाले, देखिए मेहंदी के डिज़ाइन इतने खूबसूरत है, आई थिंक 1 पाउंड के शायद मिल रहा है, तो प्यारे लगाए हुए हैं ये तो। 1 पाउंड का भी यहाँ पाकिस्तान का मुआवजा करें तो बहुत महंगे हैं। तो ये देखिए इन्होंने गजरे इतने खूबसूरत, ये देखिए मेरे पास पड़े हुए धारिस के साथ हैं। ये देखिए वाओ वेरी नाइस, ये देखिए ज्वेलरी खूबसूरत है। तो ये देखिए सारे सेट के कितने बड़ा कुछ रहता है, सब कुछ मिल जाता है। तो गाइस देखिए रश कितना है, वो बैग वाली शॉप पे देखें कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा अंदर, इतना रश है। ये देखिए यहाँ पे भी कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कोई बंदा भी नहीं नज़र आ रहा, किसी की शक्ल नहीं नज़र आ रही कि क्या हो रहा है इधर अंदर। वहाँ उधर भी ज्वेलरी आई हुई है, लेकिन आपको देखे चीज़ें नहीं नज़र आई, ये बंदे ही बंदे नज़र आएंगे दादा। क्योंकि रश इतना है, ये देखें
ये देखें कितना नाइस शेप है, और ये देखें इधर इस पर देखें कितना रश है, इतना रश यहाँ पे देखें जूतों वाली शॉप पे। आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे लेकिन चीज़ें नहीं नज़र आएगी कि इधर हो क्या रहा है, इतना रश है। ये देखिए इधर इनका सारा आपको दिखा दूँ कि कितनी रौनक लगी हुई है इस वक्त। ये देखें चूड़ियाँ देखें, कितनी रौनक है जमा हुई है कपड़े देखें। ये देखें कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड मार्केट में नहीं मिलेगी, और सब कुछ अच्छे से अच्छा। ये देखें कितने कितने खूबसूरत कपड़े इधर लगे हुए, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता मिले लेकिन वो इधर से इधर खड़े हैं सब लोग, इसलिए रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो आज का तो मैंने सोचा कि यही आप लोगों को ब्लॉग आप लोगों के साथ ना आज शेयर करती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है लॉन्ग साइड मार्केट में। ये देखें तो क्या कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, न्यू से न्यू हर चीज़ मिल जाती है। नाइस, पूछो कितने की होंगी वाली, वैरायटी तो बड़ी नाइस है। ये देखें यहाँ पर गाइस सारा आपको मेहंदी का या इस टाइप का कुछ भी चाहिए, ये देखें पूरा। हाँ जी, चलो प्राइस पूछा ना फिर वो डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत सारा मेहंदी वगैरह का सारा जो है ना लगा हुआ है। ये देखें कितनी खूबसूरत है, ये 8 की है, मैं आपको 7 की दे दूंगी। डेकोरेटेड होती है ना मेहंदी होती है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें वो मिठाई रखते हैं ना, मिठाई या गिफ्ट वगैरह भी कुछ भी रखने हो तो, क्योंकि कलर भी चाहिए। कलर ये दो कलर आए थे है ना, रेड और येलो। हाँ नहीं वो नहीं, ये वाली अच्छी लग रही है। ये वाली दो है। हाँ ये नाइस है। वेरी नाइस, कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वाओ ये देखो ना मेहंदी का जो पूरा बनाया है इधर, वेरी नाइस। शादी मुबारक का ये देखे इन्होंने हाउस बनाया है पूरा, ये देखे लिखा उसके ऊपर शादी मुबारक। वेरी नाइस, थैंक यू। चूड़ियों की वैरायटी देखें गाइस, जिस तरह के भी आपको चाहिए हर तरह के आपको यहाँ मिल जाएंगे। पूरे पूरे सेट चाहिए, सादा चाहिए, प्लेन चाहिए, फैंसी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सारी आपको मिल जाएंगी। देखिए छोटे बच्चों के कितने खूबसूरत बन गए, इतनी प्यारी बन गई है। मैंने का सारा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, कौन सी चीज़ है जो नहीं मिल रही। हर चीज़ मिल जाएगी आपको जिस टाइप की चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने कहा आपको वैरायटी दिखा दूँ ज्वेलरी की, खूबसूरत वैरायटी खूबसूरत है। वाह वेरी नाइस, ये वाला सेपरेट है वो क्या 100-100 रुपये की। हाँ हाँ बस इतने की ये तो गाय। जब हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान के साथ हम उसका कर रहे थे, ज़मीन आसमान का, ज़मीन आसमान का यहाँ पे ना डिफरेंस होता है प्राइस का, यकीन करें। तो लेकिन यह है कि आप जहाँ पे रहते हो फिर वहीं से आपने लेना होता, सारा कुछ तो आप नहीं लेके आ सकते ना, कि आप सारा कुछ ही पाकिस्तान से ले आओगे, कैसे लेके आओगे। जाहिर है और रश देखिए तो कौन रखने की जगह। हाँ मैंने बहुत सी चीज़ें वहाँ से, हाँ ले लेके आनी चाहिए ना, लोग इतना कुछ लेके आते हैं वहाँ से, सब कुछ लेके आते हैं। हाँ चलो और बैग इन्होंने कौन से, इतना चीज़ें इतनी महंगी और बैग वो ही सबसे 2% के बैग, बैग कौन से दे रहे हैं ये क्या। आ जाओ
चलें जी। तो गाइस अब जा रहे हैं, बस एंड हो गया है सारा, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, सब कुछ दिखा दिया मैंने। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी एफर्ट को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने, आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक हो गया। तो बस अभी जा रहे हैं, निकलने लगे हैं बाहर, और इस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया अब सारा, मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ से। तो अभी हम जाने लगे हैं, ये देखिए रोड क्रॉस करेंगे और हम निकलेंगे। तो ठीक है, और इजाज़त दीजिए, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।